रिपब्लिक वोटो का अस्तित्व कायम रखने के लिए आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा के महाराष्ट्र कार्यकारिणी ने लोकसभा चुनाव में अपनी प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है, जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण बागड़े द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। जहां जानकारी देते हुए बागड़े ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के खुले पत्र के आधार पर हमें रिपब्लिकन शब्द मिला। दूसरे लोकसभा चुनाव से रिपब्लिकन वोटिंग का अस्तित्व स्थापित हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने न सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़कर अपना खौफ दिखाया, बल्कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी और जनसंघ तक की ताकत जो आज सत्ता में है, उन्हें समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज रिपब्लिकन पार्टी की अवस्था देख रिपब्लिकन पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। चुनाव का परिणाम आ रहा था, चाहे नतीजे कुछ भी हो, लड़ने का संकल्प समाज को ऊर्जा दे रहा था, लेकिन अब गणतांत्रिक अस्तित्व और समाज में दरार पैदा की गई। किसी भी आंबेडकरी आंदोलन के दूसरे दर्जे के कार्यकर्ताओं को नामांकन नहीं दिया गया, उनका उपयोग केवल समर्थन के लिए किया गया। रिपब्लिकन वोट का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा। उम्मीदवार नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाणा, रावेर, औरंगाबाद, बीड, पुणे, नासिक, ठाणे, कोल्हापुर, शिरूर, कल्याण, दक्षिण मुंबई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण बागड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर नासिक से रिपब्लिकन वोटिंग अस्तित्व मार्च शुरू किया जाएगा। बाइट नारायण बागड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं नारायण बागड़े, आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने हमारे महाराष्ट्र कोर कमेटी के बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है कि रिपब्लिकन मतों को साबुत रखने के लिए, रिपब्लिकन मतों का अस्तित्व कायम रखने के लिए हमें लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरना जरूरी है, और ये हमारे समाज के घटक लोगों ने उनका मानना है कि अपन हार या जीत ये चुनाव में होते रहती है, पर तो अपना खुद का अस्तित्व कैसा कायम रहे, इसलिए रिपब्लिकन अस्तित्व के लिए आंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा लोकसभा के मैदान में उतरने वाला है। नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाणा, औरंगाबाद, बीड, पुणे, नासिक, ठाणे, कोल्हापुर, शिरूर, कल्याण, दक्षिण मुंबई, ये मतदार संघ में हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।